गाइस, आपको तो पता नहीं है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग नेपाल घूमने जा रहे हैं। मैं, मेरी दीदी और मेरी बड़ी वाली दीदी देखिए वहाँ पे हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नेपाल। नेपाल जा रहे हैं, तो रेडी रहिए, हम लोग खूब ज़्यादा घूमेंगे खेतों में, बगीचे में, घूम भी नहीं जा रहे हैं। हम नेपाल आ गए हैं। कौन बात है? हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। जरा आप घूम के दिखाइए पूरा व्यू। और हम लोग अकेले नहीं आए हैं, दीदी यहाँ पे हैं, बोली है नेपाल घुमाने के लिए, यहाँ से गाँव में घुमा रही हैं। ये नेपाल नहीं, ये नेपाल का वो जी क्या कहते बॉर्डर है, चन्नी है। अभी देखो आगे बजरंग बली कितने बड़े मूर्ति के बजरंग, तो हम सब दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं हम लोग एकदम कुली नंबर वन, कुली नंबर टू बने हुए हैं। पीछे मौसी आ रही है और मेरी दीदी आ रही थी, इनकी दीदी मेरी मौसी, यहाँ की दुल्हन। हेलो गाइस, हेलो हथिया हथिया मंदिर का नाम है चन्नी, चन्नी मंदिर है। हाँ, ये चन्नी। हम लोग पहुँच चुके हैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे। ये दीदी हैं जो हम लोग को गुमशुदा करने लाई हैं यहाँ पे। कहाँ पे देखिए, ये इंडिया और उधर नेपाल है। नदिया पिया वो देखना, बकरिया जा रही है, चले जाए। बना दो हमारे मुंह से तो ऊपर है, बना लो, मतलब लकड़ी के बना लो ना, वही क्रॉस करके जाना है ना। यस, वो रहा नेपाल, ये इंडिया है ना दीदी, ये इंडिया है और वो नेपाल है गाँव का। तो गाइस चलिए चलते हैं, यहाँ पे है विनीता दीदी, यहाँ पे है विनीता दीदी, मेरी दीदी है, फिर अकेले खा जाते थे। हाँ तो वो तो है, लेकिन जाते नहीं, जाते हैं जैसे हम कहीं बाटी आगे पास जिक्र, मतलब बातें पास में बात जिक्र, पास में आप कहाँ से गिरा जी, वहाँ से जब पीपल का पेड़ है तो उड़ के ना आ सका लगा। उधर है जी, जंगल जलेबी है, तो हट गया है, ठंड में बनता है, जनवरी में आए थे। चला आप लोगन गोड़ और धोवा गंगा मैया में, चलो मासी कष्ट से थोड़ा चला जाए। चलिए चलते हैं पानी में, बहुत लुक आने वाला है, सब लोग पानी में जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है आज तो। सिद्धि उठाने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी भीग ही जाएगा, करो कोशिश। तो ये रहा इंडिया, उधर दिखाओ जी, ये रहा इंडिया और ये रहा नेपाल। ये दरअसल रास्ता इलीगल है इसलिए, लेकिन गांव वालों को थोड़ा बहुत ऐसे जाने के लिए लीगल है। तो गाइस यहाँ पे उस साइड नेपाल है और इस साइड इंडिया है, और ये जो नदी है ना, हाफ हाफ करके आधी इंडिया की है आधी नेपाल की है, तो इसलिए पुल नहीं बन पा रहा है, लीगल है, क्योंकि बॉर्डर एक ही होना चाहिए दूसरे कंट्री में जाने का। तो बताइए कितना ठंडा पानी है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग पानी में डूबते हुए जा रहे हैं। वैसे जब बारिश होती है तो ये पानी बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और अभी तो कम है, तो ऐसे मतलब पानी बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था और सब कुछ सही लग रहा था, घुटने तक आ रहा था। तो देखते रहिए, जय माता दी, जय माता दी। तो इंडियन चल रही बहुत ही अच्छा है, मस्त है। चलो भाई फाइनली हम लोग नदी पार करके नेपाल में आ गए, नेपाल में आ गए। वेलकम टू नेपाल, वेलकम टू नेपाल। गाइस तो देखिए हम लोग नेपाल के गांव में पहुंच चुके हैं, और ये रहा यहां का जंगल, और ये रही यहां की ऑनर खुशी, और यहां पे है विनीता दीदी। तो ये क्या ढूंढ रही हैं, आइए देखते हैं जंगल में। और हमें बोल रहे हैं कि इस पे चढ़ने के लिए, लेकिन खुद नहीं चढ़े क्योंकि यहाँ पे स्नैक्स है। तो देखते हैं कहाँ पे जा रही हैं। ये तो कटहल का पेड़, तो ये कटहल है, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये तो बंडा है, बंडा वहाँ पे है, कुछ और बताओ जो पेड़ पे उगता है। ये तो आम है, और जंगल काफ़ी अच्छा है, जंगल ही जंगल मिलेंगे यहाँ पे यार, देख रही हो। गाइस यहाँ पे मैं वीडियो भी दीदी के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी और फ़ोन गिर गया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला, हम लोग चुपके से हंस रहे थे, लेकिन बाद में पता चल गया। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्टैंड मारा दीदी के कहने पे,
और जंगल की भूतनी बनी हुई थी दीदी के कहने पे, क्योंकि ये थोड़ी रील्स की दीवानी है। अब ठीक, तो गाइस बताइएगा आपको यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है। और अभी और भी यहाँ की जगह है घूमने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगी। दरअसल ये गांव है, यहाँ पे मेरी दीदी का शादी हुआ है, मतलब यहाँ पे मेरी दीदी की शादी हुई है और हम लोग बस ऐसे ही घूमने आए हैं। इनका घर है, इन्हीं का घर है, तो जंगल में खुशी हम लोग को घुमाने लाई है और हम लोग घूम घूम के देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। दीदी ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, मतलब बचपन की नहीं, मेरी दीदी की लड़की है, जैसे कि मैं इनकी मौसी हूँ और ये मेरी बेटी है। यहाँ पे तो अभी शाम हो गया है, तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।